आज मैं सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, आपका दोस्त और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सबको नमस्कार। हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। आज मैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा एक साल पुराना मॉडल है, स्टिल अभी भी नंबर वन फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए नंबर वन फ़ोन है। ये ऑफ़र में बहुत सस्ता में लिया था मैं 59,500 में, वैसे 70,000 का सेल था, एक रुपये कम, मैं विदाउट GST में ये कम प्राइस में लिया। ये सैमसंग वेबसाइट से में भी मिल रहा है, अमेजन में भी मिल रहा है। ये यदि आपका बजट इतना में है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं फोटोग्राफी के लिए, और लुक्स वाइज भी बढ़िया फ़ोन है। ये मैं मंगाया था ब्रांज, मिस्टी ब्रांज करके, ये सैमसंग का वेबसाइट का पैकिंग है, ये ब्लू डॉट कुरियर से आया हुआ है। चलिए इसको खोलते हैं। मेरे वीडियोस देखता है बहुत है लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करता है, प्लीज़ सपोर्ट करिए, सभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक मैं जितना भी वीडियोस बना रहा था, मैं एक साल से नोट 10 प्लस से बना रहा था, अभी फर्स्ट टाइम शिफ्ट कर रहा हूँ। कुछ टाइम लेने का सोचा था, काफ़ी ज़्यादा बजट था, लगभग 1,00,000 आसपास था, अभी 59,000 में आ रहा है बोल के इसको लिया। यहाँ पर बिल भी है, ये चेन्नई से दिया हुआ है, बिल में तो एक बार फोकसिंग करते हैं, 69,990 लिखा हुआ है, लेकिन ये GST रिटर्न हो जाएगा, अमाउंट 59,321 ये है, बाकी GST रिटर्न हो जाएगा। पैकिंग लाजवाब है, बबल पेपर में दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 1,16,000 लिखा हुआ है। ये मैन्युफैक्चरिंग कब का देखते हैं, सितंबर 2021 का है, ये रिसेंटली मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। इस साल का नोट 21 आएगा नहीं, ये 12 GB 256 GB है, ये लिखा है मिस्टिक ब्रांच करके। इस साल नोट 21 का लॉन्च होना मुश्किल लग रहा है, अभी तक कोई मैसेज नहीं, दोनों सील्ड बराबर है, सैमसंग का सील है, बड़ा एक्साइटिंग हो। नोट सीरीज यूज़ किया लेकिन इसमें जो मेन हाईलाइट था 108 MP कैमरा था, गोल्ड कलर के लिए आपको ये गोल्ड पेन मिल जाएगा। मैं खुद को इस्तेमाल करूँगा, सिम इजेक्टर पिन है, खाली डॉक्यूमेंटेशन है, कवर एक मिस किया हुआ है, कवर देना चाहिए था, कवर नहीं दिया, डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, सिम इजेक्टर पिन। ये फ्लैगशिप फ़ोन में हेडफोन और चार्जर इसी मोबाइल से लास्ट है, अभी जितने भी S21 अल्ट्रा जो भी आया सभी में एस पेन भी हटा दिया, आपको चार्जर हटा दिया, आपको हेडफोन भी हटा दिया, थोड़ा ये निकला हुआ है। चलिए इसको अंदर पुश करते हैं, फ्री अपलेट टेम्पर ग्लास दिया हुआ है, देख सकते हैं। मेरा पिछले नोट 10 जैसा ही है, थोड़ा सा 6.9 इंच का डिस्प्ले है, देख सकता है कैमरा बम्प है, पहले ये थोड़ा आकवर्ड दिख रहा करके बता रहे हैं, इस मोबाइल का यही एक हाईलाइट फीचर है, ये कैमरा सबसे मेन है, 6.9 इंच का 2K डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डिस्प्ले है सैमसंग का। इस बार इसमें स्टेनलेस स्टील फ्रेम का साथ में किया हुआ है, पहले एल्युमिनियम फ्रेम आता था, अभी सिम इजेक्शन स्लॉट है। चलिए एक बार देखते हैं खोल के, दो नानो सिम रख सकते हैं, नहीं तो एक माइक्रो एसडी कार्ड भी लग सकते हैं। ये वाटरप्रूफ है, IP68 सर्टिफाइड है, उसके बाद एक माइक है। इस बार पिछले नोट 10 में लेफ्ट में आता था वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, इसमें अभी राइट में दे दिया वॉल्यूम, ये पावर ऑन बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन। और एक मेन मेरे को ठीक नहीं लगा, पहले लेने के लिए बहुत बार सोचा था, ये पेन मेरे को इधर कन्वीनियंट था ज़्यादा, अभी इस बार इधर शिफ्ट कर दिया। नीचे टाइप सी पोर्ट है, माइक है, स्पीकर के लिए एक एस पेन है, ये भी ब्रांज कलर में आएगा। इस बार एस पेन का जो राइटिंग स्पीड है वो सब इम्प्रूव किया, ये सब मैं बताता हूँ सब। और इसमें बाकी क्या क्या एसरीज इसमें आ रहा है चलिए देखते हैं।
बहुत स्लिपरी है, वहाँ से भी स्लिप हो रहा है। ये 25 वाट्स का देख सकते हैं, फ़ोन अपने आप ऐसे घूम रहा है, ये कैसे निकल के आ रहा है, काफ़ी स्लिपरी है, नहीं रुक रहा है इसमें। ये 25 वाट्स का फास्ट चार्जर है, वैसे तो 45 वाट्स का फास्ट चार्ज सपोर्ट है, लेकिन ये भी अच्छा है, मैं पिछले एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। इसमें एसपन का टिप्स मिलता था पहले एक्स्ट्रा, वो मिस किया, ये नीचे ही गिर रहा है। ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है और 1 kg हेडफोन्स है, ये स्टैंडर्ड हमेशा जो आता है। खाली अभी ये मिल रहा है ना, चार्जर और हेडफोन, अभी जो भी हाई एंड मोबाइल लेते हैं तो एप्पल का भी वही हिसाब किताब है, सैमसंग का भी, दोनों मिस कर रहे हैं। एडिशनल आपको लेने में लगभग इसी का 8-9 हज़ार हो जाएगा। चलिए पूरा स्टफ अंदर रखते हैं। अभी इसका एक रैपर है, ये खोल देते हैं। काफ़ी कुछ अलग डिजाइन में दिया हुआ है, ये IMA स्टिकर भी हटा देते हैं। US वेरियंट में यहाँ पर आता था मेड इन वियतनाम करके, इंडियन वेरियंट है। मेन हाईलाइट है 108 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर वाला कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है, इसमें आपको माइक्रो शॉट भी आ जाएगा। ये 12 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक लेंस है, इसका लेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ऑर्जेंटल होगा, इसी के लिए बम्प दिया। ये लेजर ऑटो फोकसिंग का तो है, ड्यूल टोन LED फ्लैश है। चलिए सबसे पहले सिम इंस्टॉल करके पावर ऑन करते हैं। चलिए पावर ऑन किया, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G करके आया हुआ है। ये इंडियन में एक्सनोस 990 वेरियंट है, US में आपको स्नैपड्रैगन 865 आएगा। अभी 865 तो देना चाहिए, यहाँ पर तो नहीं दे रहा है। क्विक फिंगरप्रिंट सेटअप करके मैं आपको होम स्क्रीन में मिलते हैं। फाइव जी सपोर्टेड है, मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी बैंड सपोर्टेड है। फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, डिस्प्ले लाजवाब है, आप सबको पता ही है। एक बार मेन इंपॉर्टेंट है इसका कैमरा 108 मेगापिक्सल का, मैं इसका एक्साइटिंग था इसी के लिए लिया था। सबसे पहले मैं एक डिटेलिंग के लिए एक फ़ोटो खींचते हैं। डिटेलिंग काफ़ी अच्छा है और ब्लर इफेक्ट बहुत आता है, ये 108 मेगापिक्सल होने की वजह से ब्लर इफेक्ट बहुत है। अभी एक नॉर्मल फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद एक वाइड, एक बार इसके बाद एक जूम है, ये 5x जूम है, इस पर 50x तक जूम कर सकता है। 50x तक जूम किया है, मेरा ख्याल से ज़्यादा हो गया। मैं फेस को लेते हैं भगवान का, फोकसिंग हुआ है, चलो फोटो खींचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जूम फोटो है, नाइट में भी काफ़ी अच्छा डिटेलिंग है पेरिस्कोपिक लेंस के साथ। ये वाइड एंगल है, कलर से एकदम नेचुरल है, 12 मेगापिक्सल कैमरा लेकिन काम बढ़िया कर रहा है। ये 108 मेगापिक्सल है, कितना भी जूम करने से भी फटता नहीं है, एक बढ़िया है। और उसके बाद में इसका एक बार फंक्शंस आपको मैं दिखा देते हैं, डिटेल में A to Z रिव्यू में बताऊँगा। इसका मेन है सिंगल टेक है, उसके बाद फोटो मोड है, वीडियो सॉरी नहीं दिख रहा है, 8K 24 फ्रेम्स, 4K में 60 फ्रेम्स, 30 फ्रेम्स और फुल HD 60-30 फ्रेम्स में आएगा। उसके बाद में मोर में जाने के बाद में आपको देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन है, जो प्रो मोड, पेनारोमा, फोटो, नाइट, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट वीडियो, उसके बाद प्रो वीडियो, स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन, ये ड्यूअल रिकॉर्डिंग है। ये एक नया फीचर ऐड किया हुआ है, प्रो वीडियो एक नया फीचर ऐड किया हुआ है, एक बार ड्यूअल रिकॉर्डिंग का क्या, ये भी फंडा देखते हैं। ये देख सकते हैं एक बैक कैमरा ऑन हो गया है ये, और एक फ्रंट कैमरा है, दोनों ये कर सकते हैं। ये आपको ब्लॉग्स बनाने के लिए काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। ये एक है, अभी एक बार फिंगरप्रिंट का देखते हैं, ये पोजीशन काफ़ी अच्छा अनलॉक हुआ है। ये वन फ्लैश जितना फास्ट नहीं होगा लेकिन ये सिक्योर्ड है। अभी अबाउट फोन में जाते हैं, बैटरी एंड मेमोरी, इसमें बैटरी में ऐप्स रन कर रहा हूँ, इसमें बैटरी ट्रेनिंग थोड़ा फास्ट होता है, 120 Hz डिस्प्ले आना, ये 35% हो गया। स्टोरेज आपको 34 GB यूज़ हुआ है 256 GB में, उसके बाद मेमोरी 4 GB यूज हुआ है आपका रैम में,
ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाके दिखाऊंगा। लाइट मोड, डार्क मोड है, डार्क मोड कर देते हैं। 120 हर्ट्ज़ का इसमें देख सकते हैं फुल एच डी प्लस। उसके बाद बाय डिफॉल्ट फुल एच डी प्लस आया था। ये 4K मतलब 2K डिस्प्ले है। 3088x1440 फुल एच डी रखते हैं। स्क्रीन रिफ्रेश रेट एक बार देखते हैं। यहाँ पर दिया है सेटिंग मोशन स्मूथ में, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एडाप्टिव में रखेगा तो आपको यूजेस के ऊपर अपने आप ये 120 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज में चला जाएगा। स्टैंडर्ड में 60 हर्ट्ज है, बैटरी थोड़ा कम इसमें होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। मैं एडाप्टिव में रख देते हैं। उसके बाद देखते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है। ये 1UI 3.1 में चल रहा है। एंड्रॉइड 11 जनवरी का सिक्योरिटी पैच है, ऑलरेडी अगस्त सितंबर के भी आ गया। एक्चुअली ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग है ना, इसीलिए पूरा अपडेट करके आया हुआ है, नहीं तो इसमें काफ़ी अपडेट्स मिल रहा था। सितंबर सिक्योरिटी पैच है, अगस्त का भी मिल गया। इसका 3 साल तक आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते रहेगा, ये एक सैमसंग का प्रॉमिस है। और सबसे मेन हाईलाइट फीचर है इसका, अच्छा एक सेल्फी कैमरा मेरा लड़का का निकाल के दिखा देते हैं। 10 मेगापिक्सल है, कमाल का क्लैरिटी मिलेगा। अभी मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका एस पेन। एक बार मैं, मेरा लड़का अच्छा हैंड राइटिंग लिखता है, मैं दिखाऊंगा आपको। इसका राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट होता है। पहले इसका लेटेंसी था बहुत ज़्यादा था, उसमें अभी माइक्रो सेकेंड कर दिया, 0.39 माइक्रो सेकेंड से। मतलब आपको जैसा पेन से लिख रहे हैं वही फीडबैक मिलेगा। ये कर्सिव राइटिंग अच्छा लिखता है, पहले वाले से बहुत लिखता था। काफ़ी अच्छा है। कुछ एस पेन फ्यूचर में बता दूंगा, एस पेन फ्यूचर मैंने कैमरा में, ये पिछले नोट में भी था। अभी ये बटन दबा के राइट स्किप कर देते हैं, पीछे कैमरा आएगा। अभी एक बार जैसा भी अभी नया है ना, गाइडेंस दे रहा पूरा। अभी लेफ्ट राइट में आपको सिंगल टेक में जाएगा। अभी ओके, फोटो, वीडियो, सेल्फी। अभी सेल्फी लेने के लिए एक बटन प्रेस करो, वीडियो स्टार्ट हो गया, कर सकते हैं। और इसमें सिनेमेटिक की वीडियो भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी फीचर्स है ऐड किया हुआ है, कोई भी स्क्रीनशॉट लेना, लाइव मैसेज। नोट का तो एक फेमस फीचर है, जैसा मान लीजिए अभी छोटा सा एरिया को मैं ऐसा कैप्चर करना, फ़ोटो निकालना, तो ये ले सकते हैं। मैं इसमें हल्का सा स्क्रैच करके आपको मैं दिखाऊंगा। ये विक्टर ग्लास का वैसे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है स्क्रैचेस करना, मैं हल्का सा आपको टेस्ट के लिए दिखाऊंगा कितना हार्ड होता है। अब देख सकते हैं निशान आ गया है। अभी मैं इसको चला गया, कहीं भी स्क्रैचेस नहीं होता है। ये विक्टर ग्लास का यही है, हार्डनेस होता है। चाबी देख सकते हैं, चाबी घिसा है, लेकिन इसमें कोई स्क्रैचेस आया नहीं। एक बार मेरा इस चैनल का वीडियो प्ले करके देखते हैं वीडियो क्लैरिटी कैसे आता है। उसके बाद एक मैं 4K वीडियो प्ले करूंगा। आज हमारा घर में गणेश महाराज का इस तरह सेलिब्रेशन कर रहे हैं, काफी अच्छा है। ड्यूल स्पीकर इसमें, स्टीरियो स्पीकर से 1kg का। कैसे कर रहे हैं थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थोड़ा फुल स्क्रीन कर देते हैं। ये वीडियो में अपलोड किया था नोट 20 अल्ट्रा से, मूर्ति का प्रतिष्ठा करने के बाद में इसका। अभी मैं 4K वीडियो चला के दिखाऊंगा। अभी इसका वीडियो क्लैरिटी देख सकता है, ये 4K वीडियो है। कलर्स कैसे हो रहा है, एक बार ऊपर रख के व्यूइंग एंगल भी दिखाऊंगा कोई भी एंगल से। जल्दी से इसका रिव्यू, कैमरा टेस्ट सब कुछ लेके आऊँगा। मैं ऑलरेडी वाटर टेस्ट भी किया, उसको भी मैं पोस्ट करूँगा। और इसका कुछ स्पाइजन केसेस है, उनका बारे में भी मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए एक छोटा सा वीडियो तो अपलोड कर रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सबको नमस्कार।